हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हैवी डिपॉजिट स्कैम एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज बता दें, यहाँ पर आज भी कोर्ट में अफजल मकलाई और नदीम मकलाई के एंटीसेप्टरी बेल के लिए जो सुनवाई आज थी, आज वापस एक डेट दे दी गई, 17 तारीख दे दी गई है। और डेली हाजिरी देने को कहा गया है। उनके वकील थे एडवोकेट जमाल जो नाम से फेमस है, वो अफजल मकलाई के लिए खड़े हुए थे। और जो है 17 तारीख जो है डेट दे गई है। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने सेफ फाइल किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक की 2,62,00,000 की कंप्लेंट आ चुकी है उनके पास। और अभी आज हम बात करते हैं, नाला सुपारा से आए थे। आपका नाम? सबा खान। मेरा नाम सुल्ताना सिद्दीकी। कितना पैसा आपका? मेरा 3 लाख। 3 लाख। और आपका? 19 लाख। 19 लाख। आपको 3 लाख रुपया क्या बोल के लिया था? उनको ज़रूरत है ऐसा करके लिया। तो जो मांगता आप ऐसा दे देते हो? कि पहचानते हो आप क्या है? नहीं, मैं इनके थ्रू गई थी, मेरे थ्रू ही दिए थे। वही मतलब घर में उनके लड़के की इंगेजमेंट है, मेरा मतलब बातचीत चल रही है। 19 के बाद जो सबसे अलग अलग लिया आपसे भी लिया? हाँ, वैसे ही सबसे बोल बोल के मतलब। हाँ, तो उन्होंने फ्रेश कंप्लेंट कोई भी नहीं है। आप जरा भाई आ जाइए, जरा आपसे थोड़ा रोक टोक बात करेंगे, आपको सही से जवाब देना पड़ेगा। आपका नाम? करीम। करीम, मैं फर्स्ट कंप्लेनेंट आप हो? यस सर। बराबर है। यस, आप मेरे पास आए थे? यस सर। ठीक है। मैंने डायरेक्ट आपको हेल्प किया? यस सर। मैंने कोई फीस चार्ज की? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको मदद किया हूँ? यस, मदद की हो। कितनी मदद किया? बहुत मदद की हो, सबसे ज़्यादा आपने मदद की और लोगों के हक के लिए मदद की हो। यस सर। आज मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ कि जब आपने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी, 2:30 बजे मैं ना खाना खाया ना मेरे बच्चे को ले जाने पाया। आपसे मैंने पूछा सीरियल नंबर कितना है, आपने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी, 2 नंबर। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मेरे को आगे जो कारकुन था इधर उससे भी पूछा। बोले क्योंकि आप वकीलों के साथ खड़े हो, ये खड़े हो आप, इतना बड़ा केस कर रहे हो। हमारे दूसरी चीज़ रहते मेरे भाई, ना हमको अफजल मकलाई पैसा देगा, डिपॉजिट दिया है ना हमारे को। आप वकील को पैसे दे रहे हो? हाँ, वकील को दे रहे ना, हम तो नहीं ले रहे ना आपसे, फ्री फंड में काम करना। यस, तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, इन्वेस्टर से ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज हमारा हीरा गोल्ड का बड़ा मैटर हाईकोर्ट में चालू है, अभी भी चालू, 4 चक्कर काटा हूँ मैं भाई, खाली ये गलत इन्फॉर्मेशन के। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जरा हमको हेल्प किया करो, जिस तरह हम आपको 11 बजे हमने मीटिंग की आपसे। हाँ, यस की ना की। अच्छा, ठीक है। एक और बात बता दें कि थोड़ी सी एक ऐसी खबर आई है कि अफजल मकलाई और नदीम मकलाई जो है वो देश छोड़ के भागने की तैयारी में है। बराबर बात है? पक्की बात है, रिपोर्ट आई है मेरे को। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, जरा बोलिए ना क्या था वो? सुनाई में आ रहा है कि मलेशिया और वो अपना दुबई जाने वाले। नदीम मकलाई जो है वो न्यू जर्सी का, ऐसा बताया है, न्यू जर्सी जाने वाले और पासपोर्ट जो है जमा करना चाहिए, उसको पासपोर्ट जमा करना जरूरी है, निकल जाएगा। लोगों के पैसे ज़्यादा है और उसके पास पैसे है नहीं लगभग देने के लिए, उसकी सब प्रॉपर्टी बेचेगा तो भी पैसे पूरे नहीं होंगे, इतने पैसे उसने लेके रखा है। रोज़ नए नए दो चार लोग आ ही रहे और लोगों को धमकाता है कि पैसा लेने जाओगे कोर्ट में ये वो, तो फिर कोर्ट से ही लेना पैसा, मेरे पास आना नहीं, इस तरीके के लोग को धमकाता है। और इसके मेरे पास वीडियो भी है, ये भी गए थे, इनको भी आज ये आ रहे थे तो उनको धमका रहे, जाओ बोलो। वही लोग बोल रहे हैं कि मत जोर से बोलिए, आइए, आपका पैसा है 19 लाख रुपया, 19 लाख रुपया तो जोर से चिल्लाना चाहिए, बोलिए। नहीं, वही बोल रहे हैं कि मत जाओ, मत करो, हम लोग दे देंगे, 2 महीने में 3 महीने में दे देंगे। बात धमकाने के, धमकाया कि सीधे से बोले? नहीं नहीं, धमकाना तो हमको हर टाइम जाएंगे तो धमकाएंगे, तो ये तो बात सीधी हो गई है कि आप पैसा दे देंगे तो अच्छी से बात, इसमें धमकाना कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, पैसा दे देंगे नहीं नहीं, अगर तुम करोगे तो तुमको ऐसा करेंगे, तुमको जेंट्स लोग हमको मारेंगे, जैसे एक बार लास्ट टाइम पे बोला था, वही बोला आप मेरे को, तुम क्या करोगी, तुम क्या उखाड़ लोगी मेरे साथ, ऐसे बैड लैंग्वेज यूज कर। आपके मोबाइल में वो नहीं है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग नहीं रखती। अभी आप पहले रिकॉर्डिंग डाल दो। मैंने नहीं किया था, उसमें एनसी कर दो। सिद्दीकी क्लेम करने से नहीं चलता ना, प्रूफ चाहिए, जैसे उन्होंने आज प्रूफ लाया जमाल, एडवोकेट जमाल ने, कि तुम लोग में से किसी ने उनको धमकी दी है। कौन था वो, किसका नाम का था? अयूब भाई। तो हाँ ठीक है। हाँ, 38 का केस मेरा था। हाँ, कल वहाँ की डेट थी तो कल मैं जाने में वहाँ लेट हो गया, मेरा और उसका सामना तो हुआ ही नहीं, नदीम मकलाई अफजल मकलाई का, और इसके बावजूद वो मेरे नाम वहाँ पे कंप्लेंट दे दी। देखिए, गलत मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जाके FIR दे दी, अगर रास्ते में दिख गए तो ये हमको धमका रहा, कोई प्रूफ नहीं देता है, और कोर्ट में बताने के लिए कि हमको धमका दे रहे, तो लॉ जुडिशरी और लॉ को है ना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। तो अभी सत्ता देगा और लोगों का 6 एग्रीमेंट बैक टू बैक है हमारे पास, 2018 और 2019 के। लोगों को चाबी देता और ट्रेसपास का केस बनाता है। हमारे सुजा भाई को चाबी दिया और बैक टू बैक 6 लोगों को एग्रीमेंट चालू है, ये 2018 और 19 में हमने जज साहब को दिखाया कि ट्रेसपास का केस बना दिया, जो गलत है ना। एक तो तुम एग्रीमेंट बना रहे हो, लोगों से पैसा ले रहे हो, केस बना रहे हो। तो अभी 17 तारीख जो है दूसरी डेट है, देखते हैं और कितने कंप्लेंट आते हैं, और दूसरे जो भी कंप्लेंट है
वो पहले यहाँ पर सलाह मशवरा करे, डायरेक्ट इंटरवन एप्लीकेशन न दें, क्योंकि इंटरवन एप्लीकेशन देने से कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपके एडवोकेट ने भी ये कहा कि आप इनका नंबर, आप वापस आपका नंबर बोलिए। 8850966918। अच्छे से ज़रा थोड़ा आराम से बोलिए भाई। 8850966918। अफजल मंगला ही नहीं हूँ भाई, जरा हंस के बोलिए। वो तो बस अभी उनकी अल्लाह ही खिदमत करे, तो बस 8850966918। देखिए, अगर आपके पैसे बाकी है और कुछ बोलना है तो कोई वकील के पास पैसा खर्चा करने से पहले या डायरेक्ट इंटरवन एप्लीकेशन करने से पहले आप जो है हमारे करीम भाई को कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अगर आज भी एक ने इंटरवेंशन फाइल किया था, तो खैर बहरहाल 17 तारीख की डेट दी गई है, तो ठीक है, गली से बात करने के लिए धन्यवाद।